एक बांध कर दे बाल भी वो चल रहा है बांध कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एमजे व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो आज हम लोग आए हैं अलकैफ पे। तो यहाँ पे आज हमारा मूड था कि हम अलकैफ पे पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग लसानी पे गए थे तो वहाँ पे भी हमें अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो इस बार हमने कहा अलकैफ पे जाते हैं, हम ज़्यादातर अलकैफ पे ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमें इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जो इनका इन्वायरमेंट है, यहाँ का सिटिंग एरिया है, सब बहुत कमाल है। और मैं ये पहले भी रिकमेंड आप लोगों को कर चुकी हूँ, तो ये तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जो फलैया किया उनको पता है अलकैफ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखें, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी इन्होंने बनाया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं यहाँ के, बहुत हैप्पी रहते हैं। और ये रही प्यारी सी परीसा और साथ में अब्दुल अहद। परीसा के सर पे चोट लगी है इसलिए वो सर में खारिश कर रही है, जुए नहीं है बिल्कुल भी परीसा को। और यहाँ मेहर भी आ गई है। मेहर ये कौन है, ये कौन है? रोमा है। चलो बैठो इनके साथ। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सारा खूब सारा खेल रहे हैं क्योंकि इनको खेलना बहुत पसंद है। बच्चे इस तरह का माहौल काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम घर से बाहर जब मेहर और मिनसा बाहर जाती हैं ना, परीसा अब्दुल्ला, तो ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं, घर वापस आने का नाम नहीं लेते क्योंकि बच्चे घर के माहौल से बोर हो चुके होते हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें दें, उन्हें प्रोवाइड करें ताकि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, खेल सकें, जो है ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। इस तरह बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये रहे मेरे बड़े बहनोई, इन्हें जो है हम जीजू कहते हैं। ये मुझे लगता है सोच में है कि मैं इस टाइम यहाँ कर क्या रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ आया क्यों। क्योंकि वो पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ आए हैं। और ये रही प्यारी सी पलक। पलक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, तो पलक को आप लोगों ने फुल सपोर्ट करना है। और यहाँ फयाज भी आ गए हैं। पलक भी यहाँ अपने जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाने में बिज़ी होती है। बस हम लोग जो है ना वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं। नुमान भाई और आ रहे हैं, वो हमेशा की तरह सबसे लेट जो है ना नुमान भाई और आते हैं। और अब्दुल अहद आप लोगों को बताते चलो, आजकल स्कूल जा रहे हैं। अब्दुल अहद 4 साल का माशाल्लाह से हो चुका है और अब्दुल अहद स्कूल बहुत इंजॉय कर रहा है क्योंकि वो खुश है, उसको स्कूल काफ़ी पसंद आया है। आजकल वैसे मौसम अब फिर से चेंज हो रहा है, थोड़ी गर्मी फिर से आ रही है। और बड़े भाई भी आ चुके हैं। आज आमश नहीं आया क्योंकि आमश की ज़रा तबीयत ख़राब थी और आमश के पेट में जगह भी नहीं थी। वैसे भूख तो हमें भी नहीं थी, लेकिन बस कि वो कहते हैं ना आंखें भूखी थी। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो पिज़्ज़ा खा लें। और ये है मलाई बोटी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये दूसरा बिहारी कबाब, ये भी अच्छा है। किसी ने फ्राइज़ भी चुराए हैं, बच्चों के लिए होते हैं लेकिन खाते बड़े हैं। तो चलें चलते हैं, अब ये पिज़्ज़ा खाते हैं, इंजॉय करते हैं। भूख तो नहीं है लेकिन फिर भी इंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। और ये रहे नुमान भाई। नुमान भाई का सबसे ज़्यादा मूड होता है बाहर खाने का, सबसे ज़्यादा प्लान्स जो है ना नुमान भाई बनाते हैं और वही कहते हैं कि चलो 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 सब लोग बाहर चलो और खाएंगे। और ज़्यादातर बिल भी इन्हें ही पे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी नुमान भाई बाज नहीं आएंगे भाई, दिल बड़ा है ना। और ना ये मेहर अपने बाबा के साथ बैठी है, मैं ज़रा दूर हूँ। मेहर जो है बाबा के साथ ज़्यादा खुश होती है और बाबा की कंपनी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। अच्छा जी, तो यहाँ से अब हम खा पी के हम पहुँच चुके हैं फ्रोज़न पे। अभी हमें फ्रोज़न की भी ज़रूरत थी, हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और किसी ने शेक पिया। फ्रोज़न आइसक्रीम लइए कि बेस्ट आइसक्रीम में से एक है, मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को ज़्यादा पसंद है? चमन भी काफ़ी अच्छी है, फ्रोज़न भी काफ़ी अच्छी है। तो चलें हम लोग अब ये आइसक्रीम खाते हैं और मेरा व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।